टुडेज वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ स्कीमा थ्योरी। सो स्कीमा थ्योरी बेसिकली होता क्या है? स्कीमा थ्योरी इज अ ब्रांच ऑफ कॉग्निटिव साइंस। ये बेसिकली कॉग्निटिव साइंस, अच्छा कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो स्कीमा थ्योरी बेसिकली कॉग्निटिव साइंस से रिलेट करता हुआ होता है, ठीक है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि हाउ द ब्रेन स्ट्रक्चर्स नॉलेज, किस तरीके से ब्रेन नॉलेज को स्ट्रक्चर करता है या फिर बनाता है, वो हम स्कीमा थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कीमा क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो बेसिकली जो स्कीमा होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फर्स्ट टाइम देखते हैं तो हमारे ब्रेन में उसकी एक इमेज छप जाती है, और वही क्या है, स्कीमा है। अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को कभी देखा नहीं है अपनी लाइफ में तो उसका स्कीमा हमारे ब्रेन में नहीं होगा। पर कभी कभार क्या होता है कि अगर हमने उसकी रियल इमेज नहीं देखी बट कहीं ना कहीं हमने उसको टीवी में, फोन में, कार्टून पिक्चर्स में देखा है, तो वही स्कीमा हमारे माइंड में होगा। तो स्कीमा क्या होता है, एक पिक्चर होती है जो हमारे ब्रेन में होती है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फर्स्ट टाइम देखते हैं तो उसका स्कीमा हमारे ब्रेन में आ जाता है, और अगर हमने उस ऑब्जेक्ट को कभी नहीं देखा तो उसको हम नहीं पहचानेंगे क्योंकि उसका स्कीमा हमारे ब्रेन में नहीं है। इट इज़ बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। ये बेसिकली पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपने उस सब्जेक्ट को कहीं देखा है तो आप उसको पहचान लेंगे क्योंकि उसका स्कीमा आपके ब्रेन में पहले से है। अब है फादर ऑफ स्कीमा कौन है? तो जो थ्योरिस्ट हैं, जीन प्याजे ने बेसिकली कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें, स्कीमा, एसिमिलेशन, अकमेंडेशन, ये सभी चीज़ें वहाँ पर हैं, ठीक है। तो थ्योरिस्ट जो है जीन प्याजे, उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था स्कीमा के टर्म को, ठीक है। हिज थ्योरी स्टेटेड दैट न्यू इन्फॉर्मेशन कैन बी एडेड टू न्यू स्कीमा। बोल रहा है कि न्यू इन्फॉर्मेशन, बेसिकली जैसे मान लो हमारे पास स्कीमा था एक पहले से, उस स्कीमा में अगर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन हम ऐड कर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एसिमिलेशन, क्लियर। यानी कि जो स्कीमा हमारे पास था पहले से, उसके अंदर हमने कुछ चीज़ें ऐड करी हैं। जब कुछ चीज़ें ऐड ऑन होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। और अगर हम उस जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसमें कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं तो वो क्या होगा? एक्मेंडेशन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम किसी मान लो उसने फर्स्ट टाइम जो है एक डॉग को देखा, तो डॉग को देखा तो बच्चे ने पूछा ये क्या है, तो उनके पेरेंट्स ने उनको बताया, किसी ने भी बताया कि वो डॉग है, तो वो डॉग का स्कीमा उस बच्चे के ब्रेन में आ गया, ठीक है। अब जब भी वो किसी एक सिमिलर डॉग को देखेगा तो बोलेगा ये डॉग है, क्योंकि उसने उसको पहले देख रखा था, उसका स्कीमा उसके ब्रेन में था। बट वैसे ही उसने अलग डिफरेंट कलर के डॉग को देखा तो वो क्या बोलेगा? देखो उसने अब देखा, अच्छा ऐसे अलग अलग कलर के भी डॉग्स होते हैं, यानी उसने पहले वाली इन्फॉर्मेशन में एक और इन्फॉर्मेशन ऐड कर ली कि ऐसे कलर्स के भी डॉग होते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन ऐड हुई उसे हम क्या कहेंगे? असिमिलेशन। बट वहीं पर अब बच्चे ने देखा कैट, और देखो सेम चार पैर थे, एक पूंछ थी, आई थी, हैं, तो उसने क्या बोला कि ये डॉग है, पर उसके पेरेंट्स ने बोला नहीं ये डॉग नहीं है, इसकी आवाज़ देखो अलग है, तो ये डॉग नहीं है ये कैट है। तो यहाँ पर बच्चे ने चेंजमेंट करा, है ना, जो उसने चीज़ें समझ रखी थी उसमें चेंजमेंट करा कि डॉग नहीं, अगर उसकी वॉइस चेंज है तो उसको हम कैट बोलेंगे। तो ये क्या है? चेंजमेंट हो गए। तो वो कौन होगा? ये है अकमेंडेशन, ठीक है। और एसिमिलेशन और अकमेंडेशन दोनों ही अडेप्टेशन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट इज अ टाइप ऑफ स्कीमा। स्कीमा के कितने टाइप होते हैं? तो फर्स्ट इज अ कंटेंट स्कीमा, सेकेंड इज अ लिंग्विस्टिक स्कीमा, लिंग्विस्टिक रिलेटेड टू लिंग्विज, नेक्स्ट इज अ फॉर्मल स्कीमा, और नेक्स्ट इज अ आइडियोलॉजिकल स्कीमा, और एक है सोशल स्कीमा। तो बेसिकली क्या है, फाइव टाइप्स ऑफ स्कीमा हमारे पास होते हैं। कंटेंट स्कीमा हो सकता है वो कोई कंटेंट है, लैंग्वेज से रिलेटेड स्कीमा हो सकता है, फॉर्मल कोई स्कीमा हो सकता है, आइडिया से रिलेटेड आइडियोलॉजिकल स्कीमा हो सकता है, या फिर सोशल स्कीमा हो सकता है वो। अब नेक्स्ट है करैक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन ऑफ स्कीमा। क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होंगी या फिर क्या फंक्शन होंगे स्कीमा के? तो फर्स्ट है, क्या कह रहा है कि जो स्कीमा है A schema is organized unit of knowledge for a subject and event. जो स्कीमा है वो एक ऑर्गेनाइज्ड यूनिट है, ऑर्गेनाइज्ड यूनिट ऑफ नॉलेज है किसी भी सब्जेक्ट के लिए या फिर इवेंट के लिए।
इट इज बेस्ड ऑन द पास्ट ऑफ एक्सपीरियंस, ये हमने पहले भी देखा था, ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है, एंड इज असेस्ड टू गाइड करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्शन, मतलब अभी हमने जो चीज देखी है उस चीज को पहचानने में हेल्प करता है स्कीमा। मान लो आपने कोई बॉटल देखी, बट आपने पहले भी बॉटल देख रखी थी, तो आप देखते ही पहचान लोगे अरे ये तो बॉटल है ना। इसका मतलब अपने आपके जो पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं स्कीमा उस पर बेस्ड होता है, और बेसिकली ये आपके करंट जो सिचुएशन है उसको समझने में भी हेल्प करता है। स्कीमा आर डायनेमिक, यानी ये डायनेमिक होता है, चेंज हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बोला था पहले उस बच्चे ने डॉग देखा था, बाद में उसको जैसे ही पता चला इसकी वॉइस चेंज है तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, कैट बोल रहे हैं। इसका मतलब उसने उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट कर लिया था, मॉडिफिकेशन कर लिया था। तो जो स्कीमा है वो मतलब फिक्स नहीं होता, वो डायनेमिक होता, आप उसको चेंज कर सकते हैं। दे डेवलप एंड चेंज बेस्ड ऑन द न्यू इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस, क्या बोल रहे हैं कि जो स्कीमा है बेसिकली आप इसको चेंज कर सकते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्कीमा जो हमने देखे थे उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फर्स्ट इज अ लिंग्विस्टिक स्कीमा। लिंग्विस्टिक स्कीमा इज अ प्रीवियस लैंग्वेज नॉलेज, यानी कि हमने अगर किसी की आवाज़ को सुना है, आवाज़ के बेसिस पर अगर हमने कोई स्कीमा अपने ब्रेन में बना रखा है, तो बेसिकली ये क्या है, लिंग्विस्टिक स्कीमा है। तो ये प्रीवियस लैंग्वेज नॉलेज किसी भी रीडर की लैंग्वेज नॉलेज पे बेसिकली बेस्ड होता है, विच मीन्स इट्स लैंग्वेज वोकेबलरी एंड ग्रामर नॉलेज, ये बेसिकली इन सब चीज़ों पे रिलेट बेस्ड होता है। नेक्स्ट है कंटेंट स्कीमा। कंटेंट स्कीमा क्या होता है, द कंटेंट रेफर टू नॉलेज अबाउट द टॉपिक और द कंटेंट ऑफ द लेसन, बेसिकली क्या है ये, किसी भी टॉपिक से रिलेट करती हुई नॉलेज है, किसी भी कंटेंट की है किसी लेसन की तो उससे रिलेट। नेक्स्ट है फॉर्मल स्कीमा। फॉर्मल स्कीमा रेफर टू अ डिस्करेज फ्रॉम द फ्रेम एंड द रियोटोरिकल स्ट्रक्चर ऑफ द आर्टिकल, जैसे कि फेबल्स, स्टोरीज, पोएट्री और ड्रामा और ये सब चीज़ें जो होती है ना, जिनके खुद की यूनिक थीम हो, है ना, उन सब चीज़ों को बेसिकली हम फॉर्मल स्कीमा के अंदर रखते हैं। एंड डिफरेंट आर्टिकल हैव डिफरेंट राइटिंग स्टाइल एंड डिफरेंट एक्सप्रेशन, यानी हर एक जो राइटर होता है ना उसके एक अलग आर्टिकल और अलग एक राइटिंग स्टाइल और अलग एक एक्सप्रेशन होते हैं। अगर हम दूसरे वर्ड में कहें तो जो फॉर्मल स्कीमा होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स होती हैं या फिर ये बेसिकली रिटर्न टेक्स्ट होते हैं, रीडर एंड रीडर विल अस देयर स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट, जहाँ पर कोई राइटर जो होता है वो अपने टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। सोशल स्कीमा के अंदर, सोशल स्कीमा में क्या होता है, जनरेटेड बाय द इवेंट, ये बेसिकली इवेंट से या फिर आइडियाज या लर्निंग सोशल बिहेवियर से बेसिकली जनरेट होता है। दूसरे वर्ड में कहें तो जो सोशल स्कीमा है उसके अंदर इंक्लूड होते हैं जनरल नॉलेज अबाउट हाउ पीपल बिहेव, कैसे लोग बिहेव करते हैं, या फिर कुछ अलग अलग सिचुएशंस में वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। आइडियोलॉजिकल स्कीमा होता है, आइडियोलॉजिकल स्कीमा इज जनरेटेड बाय द ओपिनियन और रिलेवेंट सोशल और पॉलिटिकल इशू, यानी कि बेसिकली हमारे आइडियाज पे बेस होता है कि हम अगर किसी सिचुएशन को देख रहे हैं तो वहां पर हम किस तरीके से चीजों को सोचेंगे, क्या हमारे माइंड में ओपिनियंस आएंगे। नेक्स्ट है स्कीमा थ्योरी नीड एंड इम्पोर्टेंस, इसकी क्या जरूरत पड़ी होंगी और इसकी क्या इम्पोर्टेंस होंगी। तो जो स्कीमा थ्योरी है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हेल्प करता है लर्नर को ऑर्गेनाइज करने में, टू ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट न्यू इन्फॉर्मेशन, बेसिकली लर्नर को ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइज करने में और न्यू इन्फॉर्मेशन को बनाने में विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस नॉलेज, यानी पिछली नॉलेज अगर हमारे पास है या एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे न्यू नॉलेज को बनाने में हेल्प करता है। ये हेल्प करता है डीपर लर्निंग ऑफ बेटर रिटेंशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन। देखो अगर हमने किसी चीज़ को पहले से देख रखा है और अगर हम उसे दोबारा से देख रहे हैं तो हम उसकी और ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली जो पिछली नॉलेज है वो हमें हेल्प करता है कि हम किस तरीके से डीपर में जा सकते हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन के। स्कीमा थ्योरी इज ऑल्सो यूज इन एजुकेशनल सेटिंग टू हेल्प स्टूडेंट बिल्ड कनेक्शन बिटवीन न्यू एंड एग्जिस्टिंग नॉलेज, बेसिकली ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है जिसकी वजह से वो प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से कनेक्ट कर पाते हैं। ये हेल्पफुल होता है बेटर एकेडमिक आउटकम्स के लिए भी। तो इसी के साथ ये टॉपिक होता है कम्प्लीट। आई होप सो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।